नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक स्मार्ट वॉच जो है एक एंड्रॉयड वेयर स्मार्ट वॉच। और गाइज, ये है लेम्फो कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच और ये है उसका रिटेल पैकेजिंग। आप देख सकते हो कंप्लीट ब्लैक कलर का ये पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। और गाइज, इसमें कई सारे फीचर्स है, मतलब लाइक 2GB ऑफ रैम, कैमरा है इसमें, GPS है, नैनो सिम कार्ड सपोर्ट है, कई सारे और फीचर्स भी है जिन्हें हम देखेंगे इस वीडियो में। और गाइज, इसके पहले मैंने और एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग किया था जो था थॉर 4 डुअल। सो अगर किसी को उसका वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जो नए आने वाले वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, ये है उसका एक्चुअल बॉक्स और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे आपको लेम्फो की ब्रांडिंग देखने मिलती है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसका CPU, नेटवर्क टाइप, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें GPS है, हार्ट रेट सेंसिंग है और कई सारे और फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। और गाइज, बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो ये है लेम्फो स्मार्ट वॉच और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सी मेटल रिम यहाँ पे आपको देखने मिलती है, प्लस जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है हार्ट रेट सेंसिंग, एक सिम कार्ड का स्लॉट और एक चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है कैमरा, पावर ऑन का बटन और नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है माइक्रोफोन और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका मेन स्पीकर। सो गाइज, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पावर ऑन हो चुका है और काफ़ी बढ़िया सा एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जो क्लॉक चेंजिंग का एनिमेशन है। प्लस गाइज, इसमें कई सारे वॉच फेसेस है जिन्हें आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे डिफरेंट वॉच फेसेस है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के वॉच फेसेस है और काफ़ी स्टैंडर्ड और प्रीमियम दिखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं फ़ोन की कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, सारी चीज़ें देखने मिलती है। सो यहाँ पे वाईफाई पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा वाईफाई है उसे मैंने कनेक्ट किया है। प्लस गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलता है GPS का ऑप्शन, डेटा, ब्राइटनेस, कई सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। प्लस आगे की तरफ आपको देखने मिलता है रैम क्लीनिंग का ऑप्शन और उसके आगे देखने मिलता है आपको म्यूजिक का ऑप्शन और उसके आगे आपको देखने मिलता है वेदर का ऑप्शन। और जैसे हम यहाँ पे स्लाइड अप करते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलता है आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए, कितना किलोमीटर कवर किया और कई सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है उसके कई सारे एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल है, मैसेजिंग है, सेटिंग्स है, ब्राउजर है, कई सारे डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो कैमरा है हम उसे टर्न ऑन करते हैं। सो गाइज, ये है एक HD कैमरा, सो बेसिकली 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल वीडियो शूट किया है तो आप देख सकते हो इसकी क्लियरिटी। सो गाइज, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक से रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। इसका जो एंगल है मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। प्लस गाइज, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने मिलता है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। सो हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हो जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है टर्न ऑन हो चुका है। और गाइज, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट लगता है इसका आउटपुट आने के लिए और यहाँ पे जो हार्ट रेट बता रहा है वो है 43 बीट्स पर मिनट, जो कम्प्लीटली इनएक्यूरेट है गाइज। और इसके पहले आप देख सकते हो मैंने 3 टेस्ट किए हैं तो तीनों भी टेस्ट में आपको वही सेम रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। और गाइज, अभी आप देख सकते हो जो हार्ट रेट है उसका बढ़ रहा है। सो गाइज, ये मुझे सही नहीं लगा, मतलब यहाँ पे जो हार्ट रेट ट्रैकिंग है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक फिटनेस का ऑप्शन जिसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, कई सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है प्ले स्टोर का ऑप्शन। सो गाइज, यहाँ पे जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ओपन हो जाता है, जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है सिमिलर यहाँ पे ओपन होता है। प्लस यहाँ पे आप एप्लीकेशंस भी उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है मैप्स का ऑप्शन। सो यहाँ पे जो गूगल मैप्स है कम्प्लीटली लोड हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने GPS जो है डिसेबल किया, उसके लिए मेरा करंट लोकेशन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बट गाइज आप GPS इनेबल करके आपका करंट लोकेशन देख सकते हो। प्लस यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है YouTube का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम YouTube टर्न ऑन करते हैं और यहाँ पे सैम्पल वीडियो यहाँ पे हम प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, कई सारे दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि भाई Q&A वीडियो बनाओ। और गाइस, मुझे पता है, जितना मुझे पता है, लास्ट टाइम जो Q&A वीडियो मैंने शूट किया था उसे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और उसके बाद हमने एक भी Q&A वीडियो शूट नहीं।
प्लस गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक बैरोमीटर का ऑप्शन, सो आप कितने रिलेटिव हाइट पे है प्लस कितना प्रेशर है आपके एनवायरनमेंट का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। गाइज ये जो बैरोमीटर है ये एक्यूरेट नहीं है, बस देने के लिए उन्होंने दिया है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है और एक एप्लीकेशन जो है ट्रांसलेटर एप्लीकेशन, सो बेसिकली आपको बात करना है और ये ट्रांसलेट करेगा आपके लिए। हे व्हाट्स अप गाइज। अरे क्या है दोस्तों। सो गाइस ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। ब्रो व्हाट्स योर नेम। भाई क्या तुम्हारा नाम है। हे व्हाट्स अप। हे चोमेरा। सो गाइज काफ़ी बढ़िया तरीके से ये ट्रांसलेट करता है। प्लस गाइज यहाँ पे हमने कुछ गेम्स भी इसमें डाउनलोड किए, तो यहाँ पे मैंने टेंपल रन 2 डाउनलोड किया है। तो हम इसे ओपन करते हैं और इसे लोड करते हैं, तो आप देख सकते हो जो गेम है कम्प्लीटली लोड हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट लगा मुझे इसे लोड करने के लिए। और यहाँ पे जैसे हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो जो फोन में स्मूथनेस रहती है, क्लियरिटी रहती है, सिमिलर क्लियरिटी यहाँ पे आपको देखने मिलती है क्योंकि इसमें है 2GB का रैम और इसका जो डिस्प्ले है वो है एमोलेड डिस्प्ले। सो गाइज काफ़ी बढ़िया और स्मूथली ये गेम चल रहा था। प्लस यहाँ पे हम जाते हैं अबाउट फोन्स में, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 7.1.1 देखने मिलता है। प्लस यहाँ पे हम जाते हैं स्टोरेज ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11.61 GB फ्री स्टोरेज आपको देखने मिलता है जो काफ़ी बढ़िया स्टोरेज है। सो गाइस अभी हम इसमें इंसर्ट करते हैं एक सिम कार्ड। सो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें जियो का सिम कार्ड। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेटवर्क है वो आ चुका है। सो गाइज अभी हम इसका जो डेटा है उसे टर्न ऑन करते हैं, और डेटा टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो नेटवर्क है मतलब डेटा है आपका टर्न ऑन हो जाता है, मतलब इसमें 4G VoLTE सपोर्ट आपको देखने मिलता है। सो गाइज अभी हमने वाईफाई टर्न ऑफ किया है और डेटा को टर्न ऑन किया है, तो अभी हम इस डेटा को चेक करते हैं कैसे ये वीडियो स्ट्रीम करता है। बेबी थैंक गॉड हमारी शादी हो गई। क्यों बॉयफ्रेंड ड्यूटी से छुटकारा। हां बॉयफ्रेंड को हर छोटी सी। प्लस गाइज यहाँ पे हम इसमें करते हैं कॉलिंग टेस्ट। सो गाइज काफ़ी बढ़िया इसकी साउंड क्लियरिटी है, काफ़ी बढ़िया इसका साउंड ट्रांसमिशन है, रिसेप्शन है, और गाइज काफ़ी स्मूथ ये स्मार्ट वॉच है। प्लस गाइज इसे चार्ज करना काफ़ी सिंपल है। इसमें जो डॉक मिलता है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक डॉक है, और जैसे आप उसके ऊपर प्लेस करते हो ये चार्जिंग पे यहाँ पे लग जाता है। और गाइज इसे फुल्ली चार्ज होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 15 minutes लग जाते हैं। और गाइज बस आपको वॉच प्लेस करना है, दैट्स इट, और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज जैसे आपने देखा इस लेम्फो स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। सो कंपनी क्लेम करती है 1.5 days, 2 days की बैटरी लाइफ, बट मेरे हिसाब से 1 दिन की बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी है 580 mAh। चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो 1% से लेकर 100% मैंने इसे चार्ज किया है और अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 15 minutes में ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। प्लस यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके स्मूथनेस की, सो गाइज वॉच काफ़ी स्मूथ है, 2GB का रैम है, 16GB इनबिल्ट स्टोरेज है, और यहाँ पे 4G VoLTE सिम कार्ड जो जियो का सिम कार्ड है वो भी सपोर्टेड है, वाईफाई है, GPS है, और गाइज एप्लीकेशन से मतलब आप यूट्यूब प्ले कर सकते हो। कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, 5 MP का कैमरा यहाँ पे दिया है, और गाइज ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, स्पीकर का आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है और स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग की, सो ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 11,000 से लेके 12,000 रुपीज़ की प्राइस में, और इसकी प्राइस गाइज बहुत ही वेरी होती रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरी होती है। कभी ये 10,000 का भी अवेलेबल मिल जाता है, कभी ये 12,000 का मिलता है, कभी 12,500 का मिलता है। सो अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलो कि 11,000 से लेके 12,000 रुपये की प्राइस में आपको ये मिल जाता है। सो गाइज अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये वर्थ है उस प्राइस रेंज के लिए, सो मैं कहूँगा जी हाँ ये वर्थ है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने यहाँ पे रिव्यू नेट भेजा उसके लिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट इसके पहले मैंने थॉर 4 डुअल की अनबॉक्सिंग की थी जो था 10,000 रुपीज़ का वॉच, अच्छी कंपनी का है, लेम्फो भी काफ़ी फेमस कंपनी है, और उसमें आपको 1GB रैम देखने मिलता है, यहाँ पे 2GB रैम है, मीडिया टेक का काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो ओवरऑल स्मूथनेस और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसका यूज़ करने में। और गाइज इंडिया में जितने भी एंड्रॉयड वेयर के वॉचेस अवेलेबल है सबकी प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 के ऊपर है, सो 15,000 के नीचे बहुत ही कम है, और उसमें भी आपको देखने मिलता है सिर्फ 1GB का रैम।
सो गाइज अगर किसी को इस वॉच को परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।